आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मल्टीमीडिया टूल इज मल्टीमीडिया हार्डवेयर। हार्डवेयर That means the component which have the physical availability. ऐसे भाग computer device के ऐसे उपकरण जो भौतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। भौतिक रूप से उपलब्ध होने का मतलब है ऐसे particular devices जिनको आप हाथ में ले सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, तोड़ सकते हो, उनको आप क्या बोलते हो? हार्डवेयर। तो मल्टीमीडिया हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे हार्डवेयर जो कि मल्टीमीडिया फीचर्स को, मल्टीपल मीडियास को, वर्क करने के फैसिलिटीज को, यूज करने की सुविधा यूजर को देते हैं, ऐसे हार्डवेयर को आप मल्टीमीडिया हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो आइए गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से मल्टीमीडिया हार्डवेयर थे जो नाउअडेज यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इंटेंसिव वर्क में देखते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, अलग अलग प्रकार के माध्यमों, अलग अलग प्रकार के मीडियाज के साथ में मिला के वर्क करने का कॉन्सेप्ट ही मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है या मल्टीमीडिया है। यूजुअली दिस विल रिक्वायर फास्टर और स्पेशल पर्पज हार्डवेयर। बाय डिफॉल्ट यूजुअली नॉर्मली इस पर्टिकुलर टास्क को यानी मल्टीमीडिया वर्क को परफॉर्म करने के लिए हाई स्पीड और विशेष उद्देश्य के हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। थर्ड है नॉट ओनली इन प्रोडक्शन, सिर्फ बनाने के लिए नहीं बल्कि टेंडरिंग के लिए, प्रोडक्टिंग और फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको अच्छे कंप्यूटर सिस्टम और अच्छे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती। नेक्स्ट है डेस्कटॉप और लैपटॉप, दोनों की परफॉर्मेंस में वर्किंग, पैन पोर्टेबिलिटी का इशू, कास्ट, कीबोर्ड, स्क्रीनिंग, अपग्रेडिंग के फंक्शनिंग, ये पर्टिकुलर डेस्कटॉप और लैपटॉप को मल्टीमीडिया टूल्स के अकॉर्डिंग, मल्टीमीडिया की वर्किंग के अकॉर्डिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को यूज करने के अकॉर्डिंग कैसे दोनों में कंपैरिजन किया जा सकता है, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो जिसमें परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, कॉस्ट, कीबोर्ड, स्क्रीन एंड अपग्रेडिंग ये पर्टिकुलर 6 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिनके अकॉर्डिंग आप डेस्कटॉप और लैपटॉप को डिफ्रेंशिएट करें। नेक्स्ट आते हैं एप्पल पीसी वर्सेस विंडोज पीसी। अब एप्पल पीसी और विंडोज पीसी के बीच में भी आपको कंपैरिजन करना है, मैक ओएस और विंडोज ओएस के बीच में आपको कंपैरिजन करना है और इन दोनों पर्टिकुलर पीसी में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, ये हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट है एप्पल हैज ट्रेडिशनली डोमिनेटेड कंटेंट क्रिएशन विद मीडिया। एप्पल बेसिकली कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। Changed over time due to large range of more powerful options with Windows-based PC. But nowadays, time due to larger range of more powerful options, कई तरह के more powerful options के चलते Windows-based PC nowadays इस concept को, इस myth को दूर कर रहे हैं कि Apple PC ही normally multimedia के लिए better है। Apple platform still maintaining storage presence due to quality software. क्वालिटी और अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए स्टोरेज प्रेजेंस प्रोवाइड करते हैं एप्पल पीसी। फाइनल कट, लॉजिक प्रो, ईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन विंडोज, जो कि फीचर विंडोज में अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क, इट्स कंपोनेंट दैट डज ऑल द हैवी लिफ्टिंग कंपोनेंट्स। दैट मींस इस पर्टिकुलर CPU का यूज करके किसी प्रकार की किसी भी वर्किंग को, किसी भी परफॉर्मेंस को आप मैनेज करते हैं। द फास्टर द प्रोसेसर फास्टर द कंप्यूटर कैन वर्क। अगर आपका प्रोसेसर तेज है, आपके प्रोसेसर की वर्किंग फास्ट है तो आपकी ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, फास्ट होगी। टू फैक्टर्स होते हैं बेसिकली CPU के, स्पीड एंड मल्टी कोर। मल्टी कोर दैट मीन्स मल्टीपल फंक्शनैलिटी, मल्टीपल फंक्शनैलिटी की सर्विस प्रोवाइड करता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की स्पीड, राइज स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर्ड इन हर्ट्ज,
then data cycle through the CPU, the higher the head, faster is travel. Data transfer speed को उसकी processing को उसकी processing की speed को hertz में. Then most multimedia system will have a CPU speed as over 3 GHz. Mostly जो multimedia system है वो ऐसे CPUs की requirement करते हैं जिनकी speed 3 GHz या उससे greater. Next है multi-core या multi-thread. These are CPUs that have more than one processor built in. Multiple processing facility. Data is usually shared between them to reduce computing time. इनके बीच में data actual share हो जाता है, working share हो जाती है, task share हो जाते हैं और overall working की performance increase होती है. Therefore, a slower multiple CPU can in some instance perform better than a fast single core. Yeah, that means multiple core processor, multitasking system, किसी एक सिंगल टास्क सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है. देन एप्लीकेशन डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर मस्ट वर्क विथ मल्टी कोर फॉर द बेनिफिट. एप्लीकेशन डिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर मस्टली वर्क विथ मल्टी कोर. मल्टी कोर में ही बेसिकली सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं और इफेक्टिव वर्क करते हैं. ये सिंपल सा एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है आपके माइक्रो प्रोसेसर को. नेक्स्ट है व्हाट बेटर फॉर मल्टीमीडिया. मल्टी थ्रेडेड सिस्टम बेसिकली मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए बेस्ट माने जाते हैं. इसके मेजर एप्लीकेशन है एडोब, ऑटोडेस्क, ईटीसी जो कि नाउअडेज मल्टी कोर सिस्टम फैसिलिटी को सपोर्ट करते हैं. देन नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया. This is where project you are working on resides until you save the permanent storage. Permanent storage को save करते हुए आपकी particular working के जो भी tools हैं उनको sometimes store करके रखता है आपका temporary hold करके रखता है. Holds data for the CPU waiting for it to be processed. Then आपके CPU के data को आपके CPU की working को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है जिससे कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होती है इंक्रीज. नेक्स्ट है हाउ इम्पोर्टेंट इज रैम. वेरी इंपॉर्टेंट. द मोर रैम यू हैव द मोर एप्लीकेशन यू कैन वर्क ऑन द सेम टाइम. अगर आप रैम बढ़ाते हो तो ओवरऑल आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी. ज्यादा रैम लगेगी तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस तेज होगी, ज्यादा वर्क आप कर पाओगे. The faster your RAM is, the more your processor can do. Latency and speed. अगर आपकी RAM fast है, आपकी working fast होगी, आपकी speed बढ़ेगी, आपकी accuracy बढ़ेगी. Next है modern multimedia system will generally have at least 8 GB of DDR3 RAM. Normally multimedia systems use करने के लिए आपको at least 8 GB DDR3 RAM की requirement होती है. Now GU, this is like the CPU but designed for the basically graphics. The GPU will often determine how fast image graphics will move when animated. Can determine the computer maximum display resolution. Then can have more than one core just like a CPU. That means graphical processing unit something like this. It like the CPU, CPU जैसा ही डिजाइन होता है बट बेसिकली ये ग्राफिक्स के पर्पज से यूज होता है. बेसिकली इसका यूज होता है कि जब आप एनिमेशन करोगे, मल्टीपल ग्राफिक्स को इमेज को एक साथ रखोगे तो उनकी परफॉर्मेंस की स्पीड, उनकी वर्किंग की स्पीड कैसी. नेक्स्ट डिटरमाइन द कंप्यूटर मैक्सिमम डिस्प्ले रिजोल्यूशन. मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन को डिटरमाइन करता है, डिस्प्ले करता है और मल्टीपल कोर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है ग्राफिक्स कार्ड. ये स्पेसिफिक हार्डवेयर है. ग्राफिक्स कार्ड इसका यूज क्यों होता है. हैव ए प्रोसेसर टू मूव ग्राफिक्स. देन हैव रैम टू स्टोर डाटा बीइंग वर्कड ऑन. एज दे कैन प्रोसेस अ लॉट, दे यूजुअली रिक्वायर लॉट्स ऑफ कूलिंग. Vital to any multimedia workstation. So the power of graphics processing unit. As GPU performance
is now outpacing CPU performance, many organizations are relying on GPUs for all their processing. मल्टीपल प्रोसेसिंग के लिए और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जीपीयू का नावेदक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर टेक्नोलॉजी सच एज विडिया स्कूडा अलाउ एप्लीकेशन सच एज ऑटोडेस्क 3D स्टूडियो मैक्स एंड एडोब प्रीमियर टू यूज द जीपीयू फॉर मोर देन जस्ट मूविंग ग्राफिक्स अराउंड। नावेदक ये पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि जीपीयू का यूज करते हैं। CUDA has thousands of small core. 1000 small core होती हैं, small task को perform कर सकता है। The process data at the same time में multiple data को process करने के लिए। Next है motherboard, sometimes called main board or motherboard, component that connects everything together. सभी कंपोनेंट को एक साथ एक बोर्ड में एक जगह पे रखता है आपका मदरबोर्ड। कंट्रोल फॉर मूविंग डाटा अराउंड द कंप्यूटर, सभी मूविंग डाटा को कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल होल्ड करके रखने का काम मदरबोर्ड का। प्रोसेसर ब्रांड टाइप स्पेसिफिक यूजुअली कांट मिक्स एंड मैच बिटवीन आर्किटेक्चर, बेसिकली सभी प्रकार के आर्किटेक्चर और मॉडलिंग को एक साथ बिल्ड करके रखता है। सम विल कंटेन बिल्ट इन कंपोनेंट सच एज जीपीयू और साउंड प्रोसेसर, कई तरह के बिल्ट इन कंपोनेंट आपको मदरबोर्ड में मिलेंगे जैसे जीपीयू या साउंड के प्रोसेसर। देन मदरबोर्ड का ये सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको कई तरह के स्लॉट पॉइंट आईसी ये सब कॉम्बिनेशन मिलेंगे। इसी बोर्ड को आप मदरबोर्ड बोलते हो। इसके कौन कौन से स्लॉट है, किस स्लॉट में क्या लगेगा, आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देन साउंड कार्ड को समझते हैं, साउंड कार्ड क्या है, नीड सो यू कैन हियर साउंड फ्रॉम योर कंप्यूटर, इस पर्टिकुलर कार्ड का यूज करके आप अपने कंप्यूटर में साउंड को सुन सकते हो। कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू साउंड वेव, डिजिटल डाटा को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है। मोस्ट सिस्टम हैव अ साउंड कंट्रोलर बिल्ट इनटू द मदर बोर्ड एंड द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट ऑडियो फील्ड एंड साउंड प्रोफेशनल्स विल हैव अ डेडिकेटेड डीएसपी फॉर दिस डेडिकेटेड साउंड सपोर्ट सिस्टम को करता है ऑडियो फील्ड्स और साउंड प्रोफेशनल्स बेसिकली इसका यूज करते हैं। देन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पास करने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का यूज किया जाता है। देन हार्ड डिस्क स्पेशली यूज फॉर स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज करके रखने के लिए डाटा को, परमानेंटली स्टोर करने के लिए टेम्परेरी स्टोरेज के लिए रैम, और परमानेंटली या स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करके रखने के लिए आप SSD या हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, USB ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसको आप पेन ड्राइव भी बोल सकते हो, फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव, पोर्टेबल डिवाइस होती हैं, लाइट वेट होती हैं, और फ्लॉपी डिस्क, CD, पेन ड्राइव, सभी USB ड्राइव्स के ही कॉन्सेप्ट। SSD और STD इन दोनों पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बीच में यहाँ पे डिफरेंस भी है। SSD क्या होते हैं और STD क्या है। SSD और HDD के बीच में परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कॉस्ट एंड वर्सलाइटी के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, क्या इनमें सिमिलरिटीज हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप इस डायग्राम के थ्रू समझ पाए। नेक्स्ट डायग्राम है सिंपल, इसमें आपकी एक हार्ड डिस्क दी गई है और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल ड्राइव है, USB ड्राइव आपके सामने में दिख रही है। देन मॉनिटर्स है, मॉनिटर्स के बारे में आप सब लोगों को आइडिया है, एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू सिस्टम में कोई भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। कीबोर्ड एंड माउस बेसिकली इनपुट डिवाइस है जिनको नॉर्मली आप लोग यूज करते आ रहे हो अपने PCs में। देन अदर कंपोनेंट्स में पावर सप्लाई है, कैसेट केस है, ऑप्टिकल ड्राइवर है, CD, DVD, ब्लू-रे एंड सो ऑन, जिनको आप लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। देन अदर डिवाइस में आपके हेडफोन्स, स्पीकर, एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल वर्किंग, ड्राइंग टैबलेट, PCs, ये सब कॉन्सेप्ट
इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है टिपिकल मल्टीमीडिया डिजाइनर सिस्टम, इसमें सीपीयू कौन सा होना चाहिए, मॉनिटर क्या होना चाहिए, क्लासिक्स क्या होना चाहिए, जीपीयू क्या होना चाहिए, डीएसपी स्टोरेज क्या होनी चाहिए, ये कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा बना के आप लोगों को देने के ट्राई किया गया है। इस कॉन्सेप्ट में आप समझ सकते हैं कि अगर एक अच्छा पीसी जो कि मल्टीमीडिया डिवाइसेस को मल्टीमीडिया सर्विसेज को यूज करना चाहता है तो उसमें ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट हो। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने मल्टीमीडिया सिस्टम और मल्टीमीडिया सिस्टम की वर्किंग से रिलेटेड क्या हार्डवेयर और कैसे हार्डवेयर यूज करने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स को आप यूज कर सकते हो, बेसिक स्टैंडर्ड मल्टीमीडिया टूल्स को यूज करने के लिए हार्डवेयर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन सब कॉन्सेप्ट को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट मल्टीमीडिया से रिलेटेड और नए कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे वीडियोज को लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।